मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी नेता जनता में अपनी पकड़ दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए खातेगांव विधानसभा सीट पर लंबे समय से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे गौतम बंटू गुर्जर ने अपना जन्मदिन सियासी अंदाज मनाया। इस दौरान उन्हें आशीर्वाद देने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और दीपक जोशी पहुंचे। कांग्रेस नेता गौतम बंटू गुर्जर का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनको बधाई दी। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने कहा कि गौतम मेरे छोटे भाई हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, आने वाले समय में वो खातेगांव की जनता की सेवा करेंगे। वहीं जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार गरीब आदिवासी विरोधी सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा है कि ये सरकार अराजक की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकर्ता लगातार आदिवासियों की हत्या करते हैं, बलात्कार महिलाओं से करते हैं। अब आप इतनी निंदनीय और अकल्पनीय, आप इसकी निंदा के कोई शब्द नहीं है। एक मानवता को जिसने शर्मसार कर दिया, मध्य प्रदेश को जिसने शर्मसार कर दिया। आप देखो कि एक मुंह के व्यक्ति, आदिवासी कौन समाज के व्यक्ति पे बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब कर रहा है। ये ऐसी सरकार चल रही है। ये देश विदेश आंदोलित है शिवराज सिंह को हटाने के लिए। जहाँ तक बंटू गुर्जर का सवाल है, मैं मानता हूँ एक अच्छा जनसेवक है, परिवार का साथी है, मेरा बचपन का दोस्त है। मैं और उसका पारिवारिक रिश्ता मेरे और उनके पिताजी का कई सालों से है, जब हम छोटे छोटे तब से हैं। और एक अच्छा इंसान, अच्छा जनसेवक है। मैं मानता हूँ कि वो आने वाले समय में सेवा करेंगे खातेगांव कन्नौज विधानसभा की। और अद्भुत, पिछले 10 साल से वो बिना पद से भी लगे हुए हैं। ये अपने आप में बताता है इंसान कैसा है। इंसान अच्छा है, इंसान सेवादार है, इंसान वफादार है। मैं मरूंगा अंतिम सांस तक वो खातेगांव कन्नौज की सेवा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि खातेगांव मां नर्मदा की पावन भूमि है, यहां आकर हमेशा ही अच्छा लगता है। दीपक जोशी ने कहा कि गौतम कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दीपक जोशी ने कहा कि किसी कारणवश कांग्रेस यहां से नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब कांग्रेस प्रचंड मतों से यहां से जीतेगी। देखिए, खातेगांव वैसे तो अध्यात्म के साथ माँ नर्मदा का पावन स्थल माना जाता है, और वैसे भी हम देखा जाए तो कृषि पे आधारित हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं। जनजाति के बंदूक भी रहते हैं, अल्पसंख्यक भाई भी रहते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा पूरे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और आज पूरे प्रदेश में पहुंच रही है। बंटू भाई कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, लगातार कांग्रेस के लिए काम करते आए हैं। बंटू भाई और हम सब लोगों का ये प्रयास है कि माँ नर्मदा जब पूरे प्रदेश की पूरी सिंचाई व्यवस्था कर रही है, तो खातेगांव का भी कोई भी इलाका इससे छूटे नहीं, इससे कहीं ना कहीं जो वंचित इलाका है उसको जोड़ा जाए, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। बंटू निरंतर हमारे सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी बहुत मेहनत से अपने काम को अंजाम देते हैं। आज इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से उन्हें शुभकामना देता हूं और यही आशा करता हूं कि आगामी समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसमें हमारे बंटू भाई एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।